हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। अभी हम दिवाली के पकवान बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। और अभी मैंने बनाए थे पूर के, मूंग की दाल के पूर के समोसे, उसमें तिकोने बनाए थे, ठीक है ना। अब आज हम बेसन के सेव बनाए थे, आज हम बना रहे हैं शक्करपारे। शक्करपारे भी हम बना रहे हैं थोड़े डिफरेंट तरह के, अंदर से परत वाले खुलेंगे, बहुत सुंदर शक्करपारे बनेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, आधा किलो मैदा लिया है। और इसमें मैं डालूंगी करीब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पूर के जब समोसे बनाए थे, कि 120 से 130 के बीच में, ml के बीच में हम जो है इसमें या तो देसी घी या वनस्पति घी यही डालते हैं, हम और कुछ नहीं डालते। रिफाइंड तो बिल्कुल ही नहीं डालते, नहीं तो उससे ये सख्त हो जाते हैं और बहुत अच्छा पकवान नहीं बनता रिफाइंड का। पकवान हमेशा देसी घी या वनस्पति घी का ही अच्छा बनता है। तो मैंने ये इसमें डाला है 120 ml अपना देसी घी। अब मैं इसको अच्छे से पूरे में मिला लूंगी ताकि ये एक साथ मिल जाए, और ये बहुत बढ़िया से अच्छे से मिलना चाहिए पूरे में इवनली, और मैं इसको इवनली मिला दूंगी। और इसका हम डो बहुत टाइट नहीं मलते हैं, जैसे मैंने पूर के समोसे का मला था वैसा ही हम इसको मलेंगे और उस पर वर्क करेंगे, थोड़ा अच्छे से मलेंगे जिससे इसमें खिंचाव आ जाए, लोच आ जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। ये टाइट नहीं होना चाहिए, डो इजीली बिलना चाहिए। इसको हम अच्छे से इस समय मौन मिलाएंगे जिससे ये इवनली सारे में मिल जाए। देखिए कितना अच्छे से इसमें मौन आया है, और इसकी पहचान ये है कि हम इसको मुट्ठी बांधेंगे। देखिए मुट्ठी बांध ऐसे, तो ऐसा हम इसमें मौन डालेंगे तो ये बहुत खस्ता बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से बड़े खस्ता होंगे, ये मुंह में टाइट नहीं होंगे जैसे रिफाइंड के हो जाते हैं, वो ये नहीं होंगे। इसलिए आप देसी घी या वनस्पति घी इसमें ही बनाइए। हाँ देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से मैंने आपको दिखाया ना कि ये मौन जब डाला हमने, जो हम अंदर इसमें बीच में जो हम घी डालते हैं उसको हम कहते हैं मौन। तो ये जो मौन डालते थे इसकी पहचान ये ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, है ना। तो ये इसकी पहचान है, ये इतना होना चाहिए मौन कि ऐसे ही पड़ जाए। अब मैं इसमें, आप गुनगुने पानी से भी मल सकते हैं और नॉर्मल पानी से, लेकिन मैं ठंडे पानी से नहीं मलती हूँ इसको, ये सॉफ्ट होना चाहिए डो। अब हम उतना ही पानी डालते जाएंगे कि ये सॉफ्ट डो बन जाए, बहुत टाइट डो नहीं बनाना है हमको, और हमको इसको खूब अच्छे से मलना है। फिर तो हम बस ज़रूरत का पानी डालते जाएंगे और इसको मलते जाएंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमारा बिल्कुल मैदा मल गया है, एकदम सॉफ्ट डो है, बहुत टाइट नहीं है, बहुत इजीली नीड हो गया है, है ना। इसको हम खूब मुक्की दे करके अच्छे से मल लेते हैं, ये देखिए ऐसे, इस पे वर्क करना होता है। ये जितना आप गूथेंगे उतना ये लोच वाला होगा, ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको मैं रख करके एक नमी वाले कपड़े से हल्का गीला करके निचोड़ के कपड़े को, साफ कपड़े को, मलमल के कपड़े को, उससे इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखूंगी, जिससे ये थोड़ा सा सेट होगा, सॉफ्ट होगा और ये इसमें अच्छा सा खिंचाव आएगा, फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स ये है, ये थोड़ा सा देखिए अपनी जगह ले रहा है, लेकिन ये और सॉफ्ट होना चाहिए अभी,
इसको मैं और सॉफ्ट करूंगी और मैं इसको वर्क स्टेशन पे रख के इस पे वर्क करूंगी। ये देखिए इतने में ही फर्क पड़ गया ना इसमें। अभी हम इस पे और वर्क करेंगे। ये हो गया। अब मैं इसको बराबर के हिस्सों में काटूंगी, फिर छोटी छोटी इसकी पेड़ियां बनाऊंगी, फिर उस पे मैं वर्क करूंगी। इसको मैं अभी आधा कर दूंगी, ऐसे ये आधा कर दिया है ना, ऐसे। फिर इसको मैं ऐसे चार हिस्सों में इसको कर लिया आधा, और एक एक लेकर के इस पे मैं वर्क करूंगी। हम इसको जितना ऐसे तोड़ेंगे ना उतनी इसकी लेयर्स आएंगी। ये देखिए इसमें खिंचाव, ये देखिए ऐसे खिंचाव आना चाहिए इसमें। ऐसे पेड़ियां बना के मैं अभी चारों रख लूंगी। अब मैं इस पे वर्क करूंगी, ऐसे मैं अपनी चारों पेड़ियों पे ऐसे वर्क करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चारों ऐसे पेड़ी बना ली। अब देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये कितनी सॉफ्ट हो गई है, एकदम फूल गई है, बढ़िया। अभी मैं इनको 5-7 मिनट के लिए और रखूंगी ऐसे ही, फिर मैं बेलूंगी और बनाऊंगी शक्करपारे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक ये पेड़ी उठाई है ना, इसको मैंने चकले पर अच्छे से रोल आउट करूंगी, और ये मैं इसका हम खाली आधा सेंटीमीटर बेलेंगे, बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, और ये बड़े आराम से बेलता है, बिल्कुल स्टिक नहीं होगा। इतना वर्क किया है मैदे पर, मैदा बहुत बढ़िया रहता है। ये देखिए, ये हम एक सा बिल्कुल ये हमने बेल लिया है ना। अब मैं इसको यहाँ से सीधा काट लूंगी, और यहाँ से सीधा काट लूंगी, यहाँ से सीधा काट लूंगी, यहाँ से सीधा। तो उससे क्या होता है, हमारे ना गोल गोल एक से ऐसे वेस्टेज नहीं आते। अब मैं दो दो उंगल के ऊपर इस पे निशान लूं, आप अपने हिसाब से इंच और ये सब रख सकते हैं, मैं इतना ही रख रही हूं, आप साइज शेप सब अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मैं इसमें निकाल रही हूं, ये है ना। अब मैं इसी में लेऊंगी ये दूसरा पेड़ा, ये मुझे बड़ा लग रहा है, इसको मैं इसमें निकाल कर इधर रख दूंगी ढक करके, है ना ऐसे। और मैं इस पे ऐसे रोल आउट करूंगी ऐसे, ये देखिए ऐसे हाथ से पहले करूंगी, फिर इसको यहाँ रखकर जैसे वो बेल रहा है, और बिल्कुल हम उतना ही रखेंगे आधा सेंटीमीटर के आसपास, क्योंकि अभी फूल भी जाएंगे जब डीप फ्राई होंगे ना। रिफाइंड में नहीं करती हूं मैं डीप फ्राई, मैं आपको बार बार बता रही हूं, रिफाइंड के ये शक्करपारे बहुत, या पकवान कोई भी बहुत अच्छा नहीं बनता, देसी घी या वनस्पति घी का ही अच्छा बनता है। आप ऐसे गोल बनाना चाहते हैं आप गोल में बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे इसको करती हूँ, फिर मैं ऐसे नाप लूंगी,
और ये आप चिंता मत करिए, जब तक हम इसको करेंगे ना ये ड्राई होने चाहिए, ये इनको हम फैला के रख रहे हैं तो ये ड्राई होते रहेंगे। थोड़ा सा इनको हमें वो नहीं रखना, जैसे हम समोसे कवर करके रख रहे थे ना कि फट जाएंगे ड्राई होंगे, तो ये ड्राई होंगे तो खूब खिलकर आएंगे। जो इनकी ये है ना लेयर, ये बहुत बढ़िया आती है, इसलिए साइड से इसकी कटिंग करके शक्करपारे, कटिंग जो मैं करती हूँ इससे साइड से शक्करपारे बहुत अच्छे आते हैं। इस तरह से देखिए ये ना सब ये धीरे धीरे ड्राई होते रहेंगे, है ना। अब मैंने जो ये रखा था ये वाला, इसको मैं कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये उसमें से मेरे पीसेस निकले हैं, तो इनको फिर मैं ऐसे इसमें मिला करके ना अच्छे से, खूब अच्छे से इस चीज से अच्छे से हम गोल करते हैं। अब इसको फिर मैं बेल लूंगी, फिर इसको मैं ऐसे बेल कर आधा सेंटीमीटर के उसमें कट कर लूंगी। बहुत इसको मोटे हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जब हम रखते हैं ना, जैसे मैं थाली में भी रख रही हूँ, तो फिर ये से फूल करके अपने वो लेने लगते हैं, शेप फूलने लगते हैं ये, तो इसलिए मैं इसको बहुत मोटा नहीं बनाती। इस तरह से ये पेड़ा एक बचा है, इसका भी मैं ऐसे ही बना दूंगी, ऐसे इसको कुक करके। ये फ्रेंड्स, ये मेरे आधा किलो मैदे के ये कट के बेल के कट के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी घी में। घी मैं बहुत तेज नहीं आंच रखूंगी, मीडियम फ्लेम पर करेंगे, लो पे हम नहीं करेंगे, और हम इनको धीरे धीरे सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये घी चढ़ा हुआ है, अब मैं इसको देख रही हूँ अपना ही थोड़ा सा बैटर का डाल करके पीस कि कितना तेज हुआ है। ये अभी ऊपर नहीं आया है एकदम से, थोड़ा सा मुझे और करना पड़ेगा इसको तेज। ये अब ऊपर आया है इतनी देर में ना, तो ये इसको पड़ के ये आँच और ठंडी हो जाएगी। जब हम ये पीसेस डालेंगे शक्करपारे के तो आंच ठंडी और हो जाएगी, तो इसलिए मैं अब फिर टेस्ट करूंगी आंच। ये अब ठीक हो गई है आंच, ठीक है, नीचे से सिक गया, आ गया ऊपर। अब हम अपने ये शक्करपारे के पीसेस डालेंगे, और इनके लिए आप ये चिंता मत करिए कि ये पीसेस आपके इकट्ठे चिपके हुए ना चले जाएं, वो क्योंकि वो तल करके ना अपने आप ही छूट जाएंगे, तो आप ये बिल्कुल अंदर मन से निकाल दीजिएगा कि ये चिपक जाएंगे। आप इकट्ठे इकट्ठे डाल सकते हैं बड़े आराम से, ये निकल जाएंगे। लेकिन हम उतने ही डालेंगे जितने घी में ये एक बार में कढ़ाई में आ सके। बहुत बड़ी कढ़ाई मैंने नहीं चढ़ाई है, बस मेरे इसमें इतने ही डालेंगे और नहीं डालेंगे, है ना। अब ये देखिए आएंगे धीरे धीरे, ये देखिए सिकेंगे ना, ये ऊपर आने लगेंगे। और ये मेरी फ्लेम इस समय मीडियम फ्लेम है, हाई नहीं है, लो नहीं है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर है। बिल्कुल एक सी आंच पे हम इनको पकाएंगे, और बहुत लाल नहीं करेंगे, ठीक ठीक करेंगे, हल्के गुलाबी रंग के, जिससे ये अंदर से सिक जाए, बाहर से खस्ता हो और अंदर से बहुत सख्त ना हो। इसलिए हम इसको ठंडी आंच पे नहीं बनाएंगे, धीमी आंच पे नहीं बनाएंगे।
धीमी आंच के शक्करपारे अंदर से बहुत टाइट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। इनको देखते रहेंगे। देखिए फूलने लगे हैं ये, देखिए फूलने लगे हैं ये। आप देखिए कितनी सुंदर शेप आ रही है इनकी, फूलने लगे हैं और हल्का सा गुलाबी रंग आने लगा है। इनको हम ऐसे चलाएंगे जिससे इवन एक सा कलर सब पर आ जाए, कहीं से ज्यादा कहीं से कम सिके हुए ना रहे, इवन कलर आना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाबी गुलाबी हो गए हैं, इससे ज्यादा हम इनको नहीं तलेंगे, ये अब इनको हम निकाल देंगे एक तरफ से निथार करके। आंच मैंने सिम कर दी है निकालने के समय, क्योंकि इनको निकालूंगी तो सिम करके निकालूंगी। ये देखिए ये मैंने निकाले हैं, इनको मैं ऐसे इसमें परात में रखती जाऊंगी एक जगह। अब मैं दूसरा घान डालूंगी। आंच अभी सिम है, तेज नहीं है, क्योंकि डाला है मैंने तो ये एकदम से सिकने लगेंगे। मीडियम भी है तो सिकते सिकते आंच तेज हो जाती है, और जब हम डालते हैं तो आंच थोड़ी सी लो होने लगती है। हम इनको इकट्ठा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब मैं इतने ही डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो इनको जगह नहीं मिलती है फूलने के लिए। ये बहुत गर्म है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तीसरा घान डाला है, ये देखिए कितने अलग अलग हो जाते हैं, बड़े आराम से चिपके हुए भी नहीं रहते ये। ये देखिए चिपका हुआ था, ये अलग हो गया, कितना एकदम सब अलग हो जाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए दो खान के मेरे बने हैं, हल्के गुलाबी रंग के सेके हैं मैंने, और ये मैंने तोड़कर देखा था, देखिए कितनी सुंदर इसकी लेयर्स नजर आ रही है अंदर, देखिए पूरी परत नजर आ रही है इसकी ना, कितनी सुंदर परत नजर आ रही है। तो ये ऐसे बहुत अच्छा बन रहा है, देखिए ये तोड़ा था मैंने, देखिए इसकी लेयर्स। अभी जब ये चाशनी में जाएगा तो और बहुत अच्छी इसकी लेयर्स आएंगी, बहुत अच्छा बनेगा ये। देखिए ये अपने आप ऊपर आ गए हैं, सीखते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं, ये देखिए। और सब अलग अलग हो गए। अब इसी तरह इनको भी मीडियम फ्लेम पर मैं इनको ऐसे ही गुलाबी होने तक सेक लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे आधा किलो मैदे के शक्कर पारे जो मैंने काटे थे तल गए, ये पूरे तल गए। अब आप इनकी लेयर्स देख सकते हैं, कितनी अच्छी इनकी लेयर्स आ रही हैं। ये देखिए इनकी लेयर्स बहुत खुल रही है, देखिए लेयर्स बहुत अच्छी लेयर्स आ रही हैं इनकी। ये देखिए आप ना लेयर्स आप देख सकते हैं सबकी, देखिए सब में लेयर्स हैं, ये देखिए। और चारों कोनों से लेयर्स होंगी, एक से नहीं होगी, चारों कोनों से लेयर्स होगी। बहुत गर्म है अभी, पकड़े नहीं जा रहे हैं मेरे से, ये देखिए सब में लेयर्स हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं इनको काटती हूँ चारों तरफ से, जैसे हम बेला हमने और वो चारों तरफ से बंद इलाका है जो पूरा बिला हुआ वो बंद रहेगा। अगर हम चाकू से उसको चौकोर काट लेते हैं तो चाकू से कटने से जो अंदर तह बनी है मैदे में, हमने जो उसको तोड़ा है, लेयर्स आई हैं उसमें, वो लेयर्स उसमें जब हम तलते हैं और चाशनी में डालते हैं ना, जैसे खुलने लगती थी, लेयर्स आ जाती हैं।
तो वो उतना ही अंदर से खस्ता आता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करिए कि आप बेलकर वैसा बनाइए, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप काट लीजिए तो वो चारों तरफ से जो उसकी सील होती है वो खुल जाती है और लेयर्स डीप फ्राई होने के बाद खुलने लगती हैं शक्करपारे की। तो शक्करपारे बहुत खस्ता और लेयर वाले बनते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर मैं चाशनी तैयार करके इनको चाशनी में बनाकर दिखाती हूँ। अब हम बनाएंगे उसकी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें आप नॉनस्टिक की कढ़ाई मत लीजिएगा जब हम चाशनी चढ़ाते हैं, आप ऐसी ही एल्युमिनियम की कढ़ाई लीजिएगा, थोड़ी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना मैदे के हमने शक्करपारे बनाए हैं उतनी ही चीनी लें। तो मैंने ये आधा किलो चीनी ली है, इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग आएगी उसकी चीनी की शक्करपारों पे। तो ये मैंने आधा किलो चीनी ली है, आधा किलो चीनी है, और इसमें मैं आधा किलो चीनी का 1/4 के करीब पानी लेती हूँ। तो आधा किलो का हुआ 250 ml, 250 ml का 125 ml के करीब मैं पानी लूंगी और इसको मैं चला, इसको मैं पिघलाने तक इसको ऐसे चला। पानी इसलिए कम लेते हैं ताकि ये जल्दी से चीनी घुल जाए और उसका चाशनी का बूरा बन जाए, बूरा उस पर बन करके वो चिपक जाता है शक्करपारों के ऊपर। ये हम ऐसे इसको चलाते रहेंगे और ये मेल्ट होता रहेगा। फुल फ्लेम पर है ये मेरा, इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉयल आ गया है, ये बॉयल होने लगी है चाशनी, और देखिए साइड से इसमें झाग आ रहे हैं। यही झाग जो है ये चाशनी को गाढ़ा करने के लिए हो रहे हैं और ये चाशनी गाढ़ी होती जाएगी। इसको हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, देखिए झाग आ गए, इसको हमें बहुत नहीं उबालना है, बस हमारे को ये इतना उबालना है ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे। जैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी होएगी, ट्रांसपेरेंट होगी, मैं आपको इसको टेस्टिंग बताऊंगी, उस टेस्टिंग से करके फिर हम जो है अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग बताती हूँ। इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, अब मैं इसको बोल में नीचे डालूंगी। ये नीचे जम गई, ये बिल्कुल हो गई, अभी ये नहीं हुई है क्योंकि देखिए ये कच्ची है अभी, ये नीचे जम जाएगी जा करके। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए चाशनी पानी में डालते ही से गोली बनकर आ गई, तो ये इसका मतलब है चाशनी तैयार हो गई। ये बिल्कुल तैयार है चाशनी, ये मैं आपको दिखाती हूँ फिर से करके। ये देखिए ये मैंने इसमें डाला है, अब ये देखिए पूरा नीचे क्रिस्टलाइजेशन हो गया इसका, चाशनी का। ये देखिए ये पूरी चाशनी मेरी गोली बन गई, ये देखिए, ये देखिए पूरी चाशनी गोली बन गई, गोली बन गई ना बिल्कुल, ये कितनी अच्छी गोली आई है अभी। तो ये गोली बन गई है, तो इसका मतलब ये चाशनी आपकी तैयार है। देखिए पूरी गोली है, ये आपकी चाशनी तैयार, ये गोली तैयार हो गई, ये चाशनी बिल्कुल आपकी तैयार है। ये देखिए इसमें ऐसे चाशनी बिल्कुल तैयार है, और ये मैं इसमें शक्करपारे अभी डालूंगी और चला दूंगी तेजी से, क्योंकि जैसे इसमें शक्करपारे जाएंगे इसका चीनी का क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और इसको हम चलाते रहेंगे जिससे इवनली हर शक्करपारे में चीनी लग जाए, कोई भी शक्करपारा चीनी लगने से बचे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पूरी चीनी ऐसे एक एक शक्करपारे पर कोटिंग हो गई है, देखिए ऐसे सिमट गई पूरी चीनी, और ये देखिए पूरे शक्करपारे हमारे चीनी की कोटिंग में तैयार हो गए, तैयार हो गए। अब हम इन्हें बंद कर देंगे गैस को
और ये शक्करपारे में एक फैली हुई हिस्सा निकालूं। हाँ देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर शक्करपारे तैयार हैं ये, और सब पे कोटिंग हुई है देखिए चीनी की ना, कितनी अच्छी सी। ये देखिए कोई का चिपक भी गया है तो ये अलग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये चिपक जाते हैं तो अलग हो जाते हैं गरम गरम में ही। अभी ये बिल्कुल गरम है खूब, ये देखिए कितने सुंदर शक्करपारे बने हैं, सब तैयार है बिल्कुल एकदम बढ़िया खस्ता शक्करपारे। फ्रेंड्स देखिए ये शक्करपारे तैयार हैं और इतने अच्छे बने हैं लेयर वाले, आप लेयर देख सकते हैं इनकी। आप इनको तोड़कर मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए लेयर्स, ये देखिए बिल्कुल बालूशाही की तरह इनमें लेयर्स हैं अंदर, जैसे पैटीज में होती हैं लेयर्स। आप देखिए एक एक लेयर आप गिन सकते हैं, क्योंकि जो मैंने उसको तोड़ा था ना मैदे को और मला था पलट पलट के, वो सब ये लेयर्स बन गई। देखिए कितनी अच्छी ये लेयर्स आई हैं और बहुत ही अंदर से भी मीठे हैं ये पारे, बहुत ज्यादा टेस्टी है। ऊपर कोटिंग हो गई है, सूख गई है और अंदर ये चाशनी इसने जब्स करी है, तो ये अंदर से भी आपको मीठे लगेंगे, ऊपर से भी मीठे लगेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अनूठी में विजिट करने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप अनूठी पे विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। मैं आशा करती हूँ आप आते रहेंगे, मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। और फ्रेंड्स अनूठी फेसबुक और इंस्टा पर भी है और उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप विजिट करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।